नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की साइबर सेल ने राम जन्मभूमि की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठग रहे थे। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, पर इनमें से कई सॉफ्टवेयर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वहीं नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहने वाले आशीष, नवीन, सुमित, अमित झा और सूरज ने मिलकर कुछ महीने पहले एक वेबसाइट बनाई थी। इन लोगों ने फर्जी वेबसाइट पर फर्जी खातों की डिटेल डालकर आम लोगों से मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील की। इस पर सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए खाते में लाखों रुपए जमा कर दिए। बता दें कि नोएडा पुलिस अब इस बात की पूरी जानकारी हासिल कर रही है कि वेबसाइट के जरिए कितनी रकम इकट्ठा की गई है। वहीं अयोध्या के वास्तविक राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर ठगी किए जाने की जानकारी होने पर उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। इस पर जाँच कर रही टीम ने 21 जून को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 सिम कार्ड, 50 आधार कार्ड और 2 थंब इम्प्रेशन मशीन बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ठगी किए जाने में और कौन कौन लिप्त हैं की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों को शक है कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।